योग दिवस के मौके पर न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी भारी तादाद में जुटे और खासतौर से योग करते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता बिजेंद्र सिंह ने उनसे बातचीत भी की और वहां का जायजा भी लिया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का आगाज दिल्ली में हुआ और हमारे पीछे देख सकते हैं दिल्ली के राजपथ पर यह नजारा है कि जो तमाम जो यहाँ विभिन्न देशों के जो दूतावास हैं, जो एम्बेसीज हैं, हाई कमीशन हैं, उनके जो स्टाफ हैं या तो एम्बेसडर खुद आए हैं और या एम्बेसडर के नहीं हैं, अगर वो मौजूद विदेश में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, तो उनके बिहाफ में डिप्टी एम्बेसडर या डिप्टी चीफ ऑफ मिशन आए हैं। तो बताया ये जा रहा है कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा देशों के राजदूत इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस समारोह में शामिल हो रहे हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं वो योगा आसन कर रहे हैं और सभी एक तरह से कहा जाए कि दिखाई तो ये दे रहा है कि सभी योगा में पूरी तरह से पारंगत हैं और काफी कुछ जो एक तरह से कहा जाए कठिन आसन है उनको भी वो बेहद सहजता से कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर जिस तरह से भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ में एक मुहिम छेड़ी गई थी और भारत को उसमें कामयाबी मिली है, उसके बाद से इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो दुनिया के जो अभी राजपथ पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि 50 से ज्यादा देशों के जो राजदूत हैं वो आए हुए हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर यहाँ योगा आसन कर रहे हैं। और कई देशों के राजदूत से जब मैंने बात की तो उनका कहना यही था कि योगा के जरिए दुनिया में शांति का संदेश तो जाएगा ही, साथ ही एक हेल्दी लिविंग यानी कि स्वस्थ रहने की जो परंपरा है उसको भी काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा। और हमारे भी जो देख सकते हैं योग का एक कपाल भाती क्रिया है, वो सारे जो एम्बेसडर है यहाँ पर जो विभिन्न देशों के जो राजदूत हैं यहाँ दिल्ली में स्थित है वहाँ पर आए हुए हैं राजपथ पर, वो अभी कपाल भाती कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि काफी सहजता से किसे ये योग के जो विभिन्न आसन हैं उनको वो कर रहे हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं, कुछ लग नहीं रहा कि इन्होंने पहले कभी योगा नहीं किया हो। तो योग की एक सहजता ये भी है कि इसमें मन और तन को एक तरह से कहा जाए कि एक तरह से मिलता है और दुनिया में शांति और सहिष्णुता और स्वस्थ लिविंग यानी कि हेल्दी लिविंग की जो परंपरा है उसको भी काफी बढ़ावा मिलता है। और इसको इसका एक तरह से कहा जाए नजारा जरूर राजपथ पर जो तमाम दुनिया के जो 50 देशों से ज्यादा के राजदूत यहाँ उपस्थित हैं उन्होंने जरूर पेश किया है। इस समय दिल्ली से कैमरामैन रमेश राय के साथ विजेंद्र सिंह।